हाइपरथायराइड और थायराइड जब बढ़ने लग जाता है तो उसके लक्षण कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे जो कम से कम 1 से 3 साल पहले ही आने लग जाते हैं, थायराइड बढ़ने के 3 साल पहले। तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं, साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर जो हम इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं वो सारी साइंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड लेकर आते हैं। तो हम ऐसे लक्षणों के बारे में आज देखेंगे कि जो लोग को थायराइड 1 या 3 साल बाद आने वाला है और उनके 3 साल पहले की क्या लक्षण आने लग जाते हैं। उनके अंदर है नर्वसनेस है वो सबसे ज़्यादा मिलती है, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं वो, छोटी छोटी बात पे उनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। तो ये इसका सबसे पहला लक्षण है। दूसरा है ट्रेमर, अगर उनके हाथ हम सीधे करने के लिए बोलें तो उनके हाथ है कांपते रहते हैं तो ट्रेमर्स आने लग जाते हैं। फीमेल के अंदर जो मेंसुरेशन है, जो महावारी है, वो आना बहुत ही कम हो जाती है अगर थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब बंद भी रहती है कईयों की 2-2, 3-3 महीने। हार्ट बीट है उनका, जो दिल की धड़कन है, ब्लड प्रेशर है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है, थायराइड जिनका बड़ा होता है। हीट इंटॉलरेंस है उनको, बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं वो, कहीं पर भी बैठे हैं चाहे सर्दी हैं तब भी वो गर्मी महसूस करेंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इन पेशेंटों को हो जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है कि उनको बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, उनको बार बार स्टूल पास करना पड़ता है दिन में 4-5-6 बार, तो ऐसे जांच करवा लेना चाहिए कहीं उनका थायराइड तो नहीं बढ़ गया है। हमेशा उनको भूख लगती रहेगी, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना है, स्वेटिंग है, ये बहुत ज़्यादा आती है इसके अंदर। इसके बाद है कि ग्लैंड की स्वेलिंग है, जो थायराइड ग्लैंड गले में फिक्स है, ये सूजने लग जाती है। तो ये कोई इसका परमानेंट साइन नहीं है कि हाइपरथायराइड या थायराइड बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो ग्रंथि बढ़ती है ये हाइपोथायरॉयडिज्म में भी बढ़ जाती है जिनका थायराइड कम होता है। तो ऐसे अगर लक्षण आपको मिल रहे हैं आपको जाँच करवा लेनी चाहिए कहीं थायराइड आपका बढ़ तो नहीं गया। जैसे IBS है, कईयों को बार बार पेट साफ होने की लत बनी रहती है, सारा दिन पेट साफ करने उनको टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार उनको प्रेशर बनता रहता है, हो सकता है ये सारा थायराइड बढ़ने की वजह से हो और वो ट्रीटमेंट कोई और ही ले रहे हों पेट का, पेट की बीमारियों का। तो ऐसे जांच करवा लेना चाहिए अगर लक्षण आपको मिल रहे हैं। जैसे किसी महिला को, चाहे एज उसकी बड़ी है चाहे कम है बच्चे की, उसको महावारी आना बंद हो रही है या कम हो रही है, तो उसको थायराइड की हमेशा जांच करवा लेनी चाहिए कहीं थायराइड उसका बढ़ तो नहीं गया, कहीं वो पीरियड लाने के लिए महिला मेडिसिन खाती रह जाए, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ऐसे अगर हमें लक्षणों का पता होगा तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं और पहले ही हम उनका इलाज कर सकते हैं। अगर ऐसी बीमारियां आपको अपने आप में लग रही हैं तो थायराइड की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। अगर ये लक्षण मिलते हैं उसके बाद और भी बीमारियों में कुछ ऐसे मिलते होते सिम्टम्स हैं वो भी हम जाँच करवा कर पहले से ही बीमारी रिपोर्ट में आने से हम अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। तो आपको अगर ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी चैनल पर और भी बहुत सारे थायराइड के ट्रीटमेंट के बारे में, कैंसर के बारे में, पेट के कैंसर है, जोड़ों के कैंसर है, कैसे बिना सर्जरी के हम दिल के वाल्व ठीक कर सकते हैं, घुटनों का कैसे बिना ऑपरेशन इलाज कर सकते हैं, शुगर के ऊपर है, BP के ऊपर है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, यूरिक एसिड है, सारी बीमारियों के ऊपर लगभग मेरी वीडियोज हैं, वो सारी मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और इस चैनल के नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है घंटी का उसको दबा लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें, तो आपको साइंस है धीरे धीरे समझ आने लग जाएगी। अगर ऐसी कोई बीमारी है आपको, या ऐसे कोई लक्षण मिल रहे हैं आपको, या कोई और आपके आसपास में कोई भी तकलीफ है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक।